विद्यार्थियों, बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं और उन दो कक्षाओं में हम बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बेसिक के बारे में जाना, इसका इतिहास के बारे में जाना, साथ ही बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में जाना। दूसरी कक्षा में हम लोगों ने सामान्य तरीके के जो छोटे छोटे टाइटल्स हैं उनके लिए हमें नंबर कैसे बनाना है, इस चीज़ को सीखा। आज ये तीसरी कक्षा है और इस कक्षा में जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम लोग सरल समस्याओं से कठिन समस्याओं की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम लेवल की कठिन समस्या की तरफ अब हम लोग आज इस कक्षा में बढ़ेंगे, जिसमें हम आपको योजक युक्ति या एड डिवाइसेस के नाम से इस बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में इसे जाना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। एड डिवाइसेस क्या है? जैसा इसके नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि एड समथिंग जोड़ना है, कुछ आपको जोड़ने की बात की जा रही है। जोड़ने के क्रम में क्या जोड़ना? आप के बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट के नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को, कई टाइटल्स ऐसी होती हैं जो एक नंबर से नहीं बन पाती हैं, दो नंबरों को आपस में जोड़ना होता है। तो इस प्रकार जोड़ करके जो नंबर बनेंगे या इस प्रकार जोड़ने की विधि जो होती है उसको योजक युक्ति या एड डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आपके शेड्यूल में हर किसी का नंबर टाइटल का दिया हुआ है, किंतु कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपकी किसी भी टाइटल में एक जगह से के साथ साथ दूसरी जगह भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उन नंबरों को पुनः दूसरी जगह रिपीट ना करते हुए उसी स्थान पर, जिस स्थान पर एक बार आ गया है वहीं रहने देते हुए दूसरे स्थान पर मात्र इस चीज़ का इंडिकेशन कर दिया गया है, इस चीज़ की तरफ उद्धृत कर दिया गया है कि ये नंबर आप वहाँ से लें या ऐसे जोड़ें, इसी को हम ऐड डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। ऐड डिवाइसेस तीन प्रकार की होती हैं, जैसा बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया गया है। हम तीन प्रकार की डिवाइसेस की तरफ जाने से पूर्व देखें कि बिल्कुल सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि हम सरलतम से जो है कठिन की तरफ बढ़ेंगे, उसी तरीके से ऐड डिवाइसेस में जो पहली तरह की ऐड डिवाइस है उसमें किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ एज इट इज पूरा का पूरा जोड़ देना होता है। इसमें कुछ घटाना जोड़ना अतिरिक्त रूप से कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि इस नंबर के साथ और शेड्यूल में 001 से लेकर के 999 के बीच के कोई भी नंबर जो सुटेबल कह रहा है, आपके शेड्यूल में दिया गया है, उसी नंबर को जोड़ना है और जैसे नंबर दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ देना, उसमें से कुछ कट या उसमें कुछ और अधिक नहीं करना है। तो इस तरह ये पहला प्रकार है ऐड डिवाइसेस का। इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझें, जैसा कि एक एग्जांपल हमने लिखा है, बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट को आप एनालाइज करिए जैसे पूर्व में आप एनालाइज करते रहे हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल सब्जेक्ट को देखने से क्या लग रहा है कि ये किस प्रकार की किताब होगी, यानी एनालिटिकल सब्जेक्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो भी किताबें हैं उसकी बिब्लियोग्राफी है। अब बिब्लियोग्राफी के लिए आपको देखना है बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में क्या व्यवस्था दी गई है। आपको जो हमने पिछली कक्षाओं में टाइटल कराई है उसी की तरह आपको देखना, पहली समरी, दूसरी समरी और तीसरी समरी से होते हुए आपको शेड्यूल तक आना है। तो पहली समरी को जब आप उठा के देखेंगे तो आपको पहले 10 डिवीज़न हमें लगता है अब तक याद हो गए होंगे, और याद नहीं हुए हैं तो आप उसको एक बार पुनः दोहरा लें और उसको याद कर लें, तो आपको जल्दी से कोई टाइटल जब आप एग्जामिनेशन में कर रहे होंगे उस दौरान आपका समय भी बचेगा और अनावश्यक आप पन्ने पलटने से बच जाएंगे। बीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपके हाथ में होगा, आप जान रहे हैं कि ये 3 वॉल्यूम में है और काफ़ी मोटी पुस्तक है,
तो आप बार बार पेजेस को पलटने की स्थिति से बचने के लिए पहली समरी को तो याद कर लें। पहली समरी में आप जब डिविजन्स को देखते हैं, 100 जो है फिलासफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, 200 रिलीजन्स हैं, इस तरीके से 900 तक आपने देखा कि किसी कोई ऐसा विषय नहीं दिख रहा है जिसमें आप बिब्लियोग्राफी को रखें, तो आप क्या करते हैं, जो 000 वाला डिवीज़न है, जो सबसे पहला डिवीज़न है, जिसको हमने कहा कि सबसे इसको छोड़ कर के सेस को आप पहले देखें, अगर किसी में नहीं आ रहा है ऐसा सब्जेक्ट तो आप पहले वाले में लौट करके आए, जो 000 का डिवीज़न है आप उसमें आते हैं, तो पहली समरी में 000 को देखने के बाद अब आप दूसरी समरी की तरफ बढ़िए। दूसरी समरी को देखिए, दूसरी समरी में जनरलिटीज का जो डिवीजन दिया गया है 010 बिब्लियोग्राफी, बिल्कुल पहला ही है बिब्लियोग्राफी। 010 को आपने बिब्लियोग्राफी को देख लिया, जब आपको क्लियर हो जा रहा है कि और ये टाइटल भी दी गई है बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर भी बिब्लियोग्राफी आपको स्पष्टता मिल गया है, फिर भी उसके और जो डिवीजन है उन सबको देख लीजिए। देखिए 020 लाइब्रेरी साइंस, वहां से लेकर के 090 तक आपने पूरा देखने के बाद आपको सबसे सुटेबल सब्जेक्ट जो है 010 बिब्लियोग्राफी स्पष्टता मिल जा रहा है। तो जब दूसरी समरी में क्लियर हो गया कि 010 हमारा सब्जेक्ट होगा, तो इससे और आगे बढ़ते हैं, तीसरी समरी में पहुंचते हैं। अब आप थर्ड समरी में आ गए, थर्ड समरी को देखिए और डिवीजन आपको देखने हैं सिर्फ बिब्लियोग्राफी के, 010 के डिवीजन देखिए, क्लियर कट बिब्लियोग्राफी दिया गया, उसके नीचे देखिए 011 बिब्लियोग्राफीज, 012 ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे बिब्लियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ही चल रहे हैं क्योंकि इसका 010 का ही ये सारा डिवीजन है। फिर 013 ऑफ वर्क्स बाय स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ राइटर्स, 014 ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस वर्क, 015 ऑफ वर्क्स फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस, 016 सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग। आपकी टाइटल, आप अपने टाइटल पर कंसंट्रेट करिए, वो टाइटल कह रही है कि बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ 016 क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग, वही तो बात है जो आपके टाइटल में है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की बिब्लियोग्राफी है। तो अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कैटलॉग या बिब्लियोग्राफी की बात है तो 016, और 016 के आगे भी आप चाहें तो एक बार चेक कर लें, लेकिन कोई और सुटेबल नंबर 010 के डिविजन्स में नहीं मिल रहा है। इट मीन्स आपको थर्ड समरी में जो नंबर मिला 016 सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग, इसी के अंतर्गत आपका नंबर मिलेगा बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब आपको तीसरी समरी में ये बात स्पष्ट हो गई कि आपको जाना है 016 में, तो हम चलते हैं 016 कहाँ, शेड्यूल वाले पार्ट में। अब आप शेड्यूल वाले पार्ट में आ गए 016 पर। आपको डायरेक्ट कैसे पहुंचना है, हमने बताया था कि कॉर्नर पर लिखा रहेगा जिसका डिवीजन जिस पेज पर दिया हुआ है, तो 016 वाला एकदम बिल्कुल ऊपर देखिए, राइट मोस्ट कॉर्नर में लिखा हुआ 016 बिब्लियोग्राफी, और उसी का डिवीजन 016 मोटा मोटा लिखा है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन इसके नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़िए, इसको पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है, इफ प्रेफर्ड क्लास विद द स्पेसिफिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट यूजिंग स्टैंडर्ड सब डिवीजन नोटेशन 016 फ्रॉम टेबल 1 एग्जांपल के रूप में दिया है बिब्लियोग्राफीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यदि किसी सब्जेक्ट को प्रेफर किया गया है स्पेसिफिकली तब, लेकिन यहाँ आपका इससे आशय नहीं, और नीचे और पढ़िए, ऐड स्टैंडर्ड सब डिविजन्स नोटेशन 012-09 टेबल 1 टू दी वेरियस सब डिविजन्स ऑफ 016 एज रिक्वायर्ड फॉर वर्क्स लिस्टेड इन द बिब्लियोग्राफी।
but not for the bibliography being class example bibliographies of serial publications on philosophy. उसका नंबर बना के दिया हुआ है 016.105, but serially published bibliographies on philosophy 016.1, not in जो नंबर ब्रैकेट में दिया रहता है उसको डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त नहीं करते हैं। फिर आप आते हैं, देखें 0.001-0.003 बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, ऐसा तो नहीं है आपका। फिर 0.01 बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफीज। फिर आगे आप इसी तरीके से डिवीजंस देखते चलिए और जब आप नीचे आएंगे बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ जनरल सीरियल्स कि जो ब्रैकेट में ये नंबर प्रयोग नहीं करना है, इस ऐसे देख के आप जान जाएंगे कि ऐसे नंबर्स को प्रयोग नहीं करना है। आपने देखा कि नहीं है, तो फिर हम अगला पृष्ठ पलटते हैं, अगले पृष्ठ पे आइए। यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ पब्लिकेशन जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड म्यूजियोलॉजी, ये पढ़ते चलिए, सारे को पढ़ते चलिए, यहाँ तक आपकी बात नहीं बन रही है। फिर 0.1-0.9 बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यहाँ कह रहा है और नीचे उसके उसका एक्सप्लेनेशन दिया है एट 100-2900 बेस नंबर 016 एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफीज ऑफ फिलॉसफी। देखिए एक टाइटल बना करके रेडीमेड नंबर यहाँ दिया गया है 016.1 फिलॉसफी की बिब्लियोग्राफी का नंबर बना करके यहाँ एक दिया गया है और आपकी टाइटल है एनालिटिकल केमिस्ट्री की बिब्लियोग्राफी की बात है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी टाइटल बनेगी। फिर यहाँ क्या कह रहा है, क्लास इन द 016.8088 बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ बेले लेटर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज एग्जांपल नॉवेल्स, इससे आपका मतलब नहीं है। आप देखिए 0.1-0.9 बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जहां बोल्ड लिखा हुआ है उस पर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। अब स्टार क्या कह रहा है उसको देखने के लिए हर पृष्ठ के जहाँ भी स्टार रहेगा इस तरीके का मिलेगा पूरे डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, सबसे नीचे में वो क्या कह रहा है उसका इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। देखिए वो स्टार का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया, एड स्टैंडर्ड सब डिविजन्स एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 016। क्या कह रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे ही करिए जैसे 016 के अंडर में निर्देश दिया गया है, यह देखने के लिए जहाँ से 016 शुरू हो रहा है उसको हम देखें। एक एग्जांपल बिब्लियोग्राफी ऑफ फिलॉसफी बना के दिखाया गया था, बिल्कुल इसी एनालॉजी पर आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप 016 जो आपका नंबर है इसको नोट कर लेंगे, इसके आगे फिलॉसफी का नंबर जब बनाया था तो 0.1 करके लिखा हुआ है, और जबकि आप जानते हैं फिलॉसफी का नंबर है 100। उसी तरीके से फिलॉसफी यहाँ जो है 00 जो है लास्ट में, क्योंकि ये डेसिमल डिवीजन है, 00 का किसी डेसिमल पॉइंट के बाद यदि 0 आता है और उसके बाद कोई अंक नहीं रहता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 00 जो था 1 के बाद 00 फिलॉसफी के लिए वो ख़त्म करके सिर्फ 0.1 दे दिया गया है। आपकी टाइटल के केस में क्या है, ये तो इस अंक को जहाँ से ले रहे इसको आधार अंक कहते हैं, इसमें और आगे क्या जोड़ना है आपको, बिब्लियोग्राफी का नंबर ये जो सब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बिब्लियोग्राफी है 016 आपने जोड़ा, उसके आगे क्या है, क्या जोड़ना आपको, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को प्राप्त करने के लिए आप फिर उसी तरीके से एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ से प्राप्त होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री प्राप्त होगी कहाँ, प्योर साइंस
में जो 500 डिवीजन है फर्स्ट समरी का, उसकी सेकंड समरी में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ मिलता है। अब आप देखिए सेकंड समरी में आपको 500 के डिवीजन देखने हैं। 500 के डिवीजन में 510 मैथमेटिक्स, 520 एस्ट्रोनॉमी एंड एलाइड साइंसेज, 530 फिजिक्स, 540 केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज। अब आपको क्लियर हो गया कि आपकी केमिस्ट्री क्या है, 540। 540 के आगे अब आपकी कौन वाली केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का नंबर प्राप्त करने के लिए अब तीसरी समरी में चलते हैं जहां केमिस्ट्री का फर्दर डिवीजन दिया गया है। अब आप तीसरी समरी में देखिए केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज 540 के डिवीजन एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री 542 लेबोरेटरीज एपर्चर्स इक्विपमेंट्स 543 एनालिटिकल केमिस्ट्री, और आपको यही नंबर ढूंढना था। तो आप इस टाइटल में 016 के आगे जो आपको जोड़ना है वह 543। आइए क्या जोड़ना है आपको, 543 एनालिटिकल केमिस्ट्री का नंबर 543। अब इस पूरी टाइटल का नंबर हो जाएगा 016.543। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट कहां से आ गया। आपको पहले बताया गया है कि डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन में निमोनिक क्वालिटी यानी याद रखने की क्षमता रखने के लिए पहले 3 अंकों के बाद पॉइंट डाल दिया जाता है ताकि आसानी से ये हमारी आई कैचिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके और आसानी से याद हो सके। इसलिए ये मोटा मोटा नियम आप याद रखिए कि पहले 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा यदि उससे बड़ा कोई नंबर बन रहा है तब, और आपका ये नंबर 016.543 इस तरीके का नंबर आप, ये आपको फाइंड आउट हुआ। और इस पूरी टाइटल का नंबर हो गया बिब्लियोग्राफी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री का 016.543। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका साइंस लाइब्रेरी, कोई आपकी टाइटल है, पुस्तक है साइंस लाइब्रेरी नाम की, तो आप इस टाइटल को देख के फिर एनालाइज करिए कि क्या सब्जेक्ट होगा साइंस लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी पढ़ने की बात आ रही है आपको क्लियर कट हो गया कि आप कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट। अभी तक आप समरी देखते देखते इतना परिचित हो गए हैं कि पहली समरी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरी समरी में पहुँचिए, वहाँ 000 के डिविजन्स देखिए, वहाँ 020 जो है लाइब्रेरी साइंस है, और लाइब्रेरी साइंस 020 जब आपको दूसरे डिवीजन में क्लियर हो गया दूसरी समरी में, तो अब आप तीसरी समरी से हम लोग शेड्यूल देखते हैं। हम तीसरी समरी में आ गए, तीसरी समरी में देख रहे हैं किसका, 020 का डिवीजन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब आप इसके डिवीजन में देखिए 021 लाइब्रेरी रिलेशनशिप्स, 022 फिजिकल प्लांट, 023 पर्सोनल एंड पोजीशन, 024 को खाली रखा गया है, 025 लाइब्रेरी ऑपरेशंस, 026 लाइब्रेरीज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। आपकी टाइटल क्या है, साइंस लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जो साइंस की है। इट मींस यह टाइटल जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लाइब्रेरी की बात कर रही है, तो आप कहाँ पहुँच गए, 026 ही आपको थर्ड समरी का स्पेसिफिक नंबर होगा। अब थर्ड समरी के आगे हमें देखना है तो कहाँ चलेंगे, हम शेड्यूल वाले पार्ट में चलते हैं। 026 पर जब आप शेड्यूल वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ देखिए 026 लाइब्रेरीज डिवोटेड टू वेरियस स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, क्लास हियर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स एंड कलेक्शंस इन स्पेसिफिक फील्ड कंप्रिहेंसिव वर्क्स ऑन स्पेशल लाइब्रेरीज। ये आपका सब्जेक्ट स्कोप बता रही किस तरह की टाइटल्स को यहाँ इस नंबर के अंतर्गत रखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, यू 026 पॉइंट
0001-026.009 from standard subdivisions. यदि इसका मतलब यदि standard subdivision आपको प्रयोग करना है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नंबर लगाने के पूर्व ये 30 जो है उसमें इंसर्टेड रहेंगे. लेकिन आप जब किसी सब्जेक्ट का नंबर लगाना, आप में तो साइंस लाइब्रेरी आपकी टाइटल है, आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जाना ही नहीं है, आपको और थोड़ा नीचे देखना है. वहां लिखा हुआ है 8001-999 to base number 026, example medical libraries. आपको का क्या कह रहा है 8001 से लेकर के 999, और ये नंबर कहाँ मिलता है, ये पूरे शेड्यूल की बात कर रहा है कि शेड्यूल के शुरू से लेकर के अंत तक जो भी नंबर सूट कर रहा है स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट की टाइटल के हिसाब से हो रहा है उसको ले लीजिए. और उसी तरीके का एक नंबर मेडिकल लाइब्रेरीज का बना करके दिया है और आपकी टाइटल क्या है, साइंस लाइब्रेरी. तो आपको क्या करा, बेस नंबर किसको बनाना है, 026 को. तो 026 को बेस नंबर बना लीजिए और आगे साइंस के लिए नंबर आपको ढूंढ के लिखना है. अब 026 आपका बेस नंबर हो गया और इसके आगे क्या जोड़ना है, साइंस. आपने फर्स्ट समरी में देखा साइंस का क्या नंबर है, प्योर साइंस का नंबर 500. तो आप को इतना मालूम है, वहां से लिख दिए 500. लेकिन आपको ये भी मालूम है कि यह क्लासिफिकेशन स्कीम डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है. यदि किसी अंक के पहले डेसिमल लिखा है अथवा नहीं लिखा है, फिर भी ये क्लियर है कि उसके पहले डेसिमल है, ये संपूर्ण का डिवीजन है. और आप जानते हैं कि किसी डेसिमल के बाद कोई अंक आता है और उसके बाद यदि जीरो आता है, चाहे जितने जीरो लग जाएं, उसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता जब तक कि उस जीरो के आगे और कोई वन से लेके नाइन के बीच का कोई अंक ना हो. तो इट मीन्स ये मूल्यहीन है. और जब आप नंबर इसका टोटल करेंगे तो नंबर बन जाएगा 026 पॉइंट, तीन अंकों के बाद पॉइंट लिखते हैं और ये 5. तो आपकी साइंस लाइब्रेरी का नंबर 026.5 होगा, ना कि 026.500, क्योंकि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में यह बाध्यता है कि नंबर कम से कम तीन अंकों का हो. इसलिए पहली समरी में 500 को साइंस के नंबर के लिए प्रयुक्त किया गया है, किंतु यहाँ पहले से ही कुछ अंक हैं जो इस नंबर में जुड़े हुए हैं, जिस 026 पहले से लगा हुआ है, इसलिए 500 के स्थान पे सिर्फ 5 ही लेंगे और इस टाइटल का पूरा नंबर होगा 026.5. अब हम दूसरे प्रकार का ऐड डिवाइस का प्रयोग करना सीखेंगे. पहले प्रकार के डिवाइस में आपने देखा पूरा का पूरा नंबर जो है किसी एक नंबर में जोड़ दिया जाता था, या अंतिम के नंबर का एक दो अंक विलोपन करने की बात, और वो क्यों था उसका कारण भी हमने बताया. लेकिन यहाँ जो दूसरे प्रकार में है, किसी एक संख्या में आधार अंक में दूसरी नंबर को जोड़ने के लिए उसके कुछ भाग को छोड़ते हुए जोड़ना है, तो यह दूसरा प्रकार हो गया जो है ऐड डिवाइस का. इसके समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए. जैसे एक ये टाइटल है प्रीस्ट इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में प्रीस्ट यानी पुजारी. अब इस टाइटल को करने के लिए आप देखिए कि ये टाइटल को देखने से ही लग रहा है कि सब्जेक्ट की किताब होगी रिलीजन की, और रिलीजन का फर्स्ट समरी में क्या नंबर है, 200. अब फर्स्ट समरी में आपको क्लियर है कि 200 है, तो हम फर्स्ट समरी ना देखते हुए अब सेकंड समरी में डायरेक्ट चलते हैं. सेकंड समरी में देखते हैं क्या है. सेकंड समरी में जब हम आते हैं तो देखते हैं 200 रिलीजन, उसका पहला डिवीजन देखिए 210 नेचुरल रिलीजन, 220 बाइबल,
230 क्रिश्चियन थियोलॉजी, 240 क्रिश्चियन मॉरल एंड डिवोशनल, 250 लोकल चर्च एंड रिलीजियस ऑर्डर, 260 सोशल एंड इक्लेस्टिकल थियोलॉजी, 270 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ चर्च, 280 क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस एंड सेक्ट्स, 290 अदर एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स। आप देखिए 210 से लेके 280 तक ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसमें यह बुद्धिज्म जो है जा सकता है, कोई ऐसा आ सकता है, क्योंकि ये देखिए ज़्यादातर इसमें क्रिश्चियनिटी और चर्चेज की ही बात की गई है, क्योंकि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिस जगह बनी हुई है अमेरिका में, वहाँ प्रिवेलिंग रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी है, इसलिए ज़्यादातर नंबर क्रिश्चियनिटी की तरफ बायस हैं। लेकिन 290 में लिखा गया है अदर एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स, तो यहाँ हम अदर 290 में चलते हैं। अब तीसरी समरी में पहुँचते हैं, 290 के डिविजन्स को देखते हैं। थर्ड समरी में आते हैं, यहाँ 290 के डिविजन्स देखिए, अदर एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स में 291 कंपैरेटिव रिलीजन, 292 क्लासिकल्स विद इन ब्रैकेट ग्रीक एंड रोमन रिलीजन्स, 293 जर्मेनिक रिलीजन्स, 294 रिलीजन्स ऑफ इंडी कोर्जे। आप देखिए ये जो बुद्धिज्म है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत में हुई है, तो भारत से उत्पन्न होने वाले धर्म जैसे बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, हिंदुइज्म हुआ, ये जो रिलीजन्स हैं इन सारे धर्मों की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, तो भारतवर्ष में जो उत्पन्न धर्म है उनको 294 में देखना है। ये क्लियर कर दिया 294 रिलीजन्स ऑफ इंडिक ओरिजिन। फिर भी और रिलीजन को देख ले नीचे 296 में नहीं, तो हम 294 में ही चलते हैं जहाँ दिया है रिलीजन्स ऑफ इंडिक ओरिजिन। अब थर्ड समरी में हमने देख लिया 294 इंडिक ओरिजिन के रिलीजन है, अब कहाँ देखेंगे, शेड्यूल वाले पार्ट में, तो शेड्यूल वाले पार्ट में 294 पर देखते हैं। अब हम जब शेड्यूल वाले पार्ट में आते हैं 294 पर, देखिए ये ब्रैकेट में 0.1 को दिया है, आपको हमने पहले बताया कि इसको प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए अल्टरनेटिव नंबर के लिए कह रहा है कि जो इसके लिए यहाँ प्रयोग करें। फिर और 0.3 पर बुद्धिज्म क्लियर कट बता दिया कि 294.3 क्या है, बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म की ही बात कर रहे हैं। अब 0.3 के अंतर्गत ही आपको देखना है कि इसमें पृष्ठ का नंबर कहाँ मिलेगा। देखिए 0.306 ऑर्गेनाइजेशंस से आपको कोई मतलब नहीं है। 0.33 में क्या दिया है, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड, इसकी भी बात नहीं हो रही है। 0.34 में डॉक्ट्राइंस एंड प्रैक्टिस, इसकी भी बात नहीं है कि किस तरीके से बुद्ध धर्म में धर्म की प्रैक्टिस होती है, क्या उसके सिद्धांत हैं, ऐसी तो बात नहीं है, इसमें क्या है प्रीस्ट की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं 0.35 मॉरल थियोलॉजी, इसमें भी आपका काम नहीं बन रहा है। फिर आते हैं 0.356 स्पेसिफिक मॉरल इश्यूज, इसमें भी नहीं। देखिए 0.36 देखिए लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अब प्रीस्ट जो है क्या होगा, रिलीजन का लीडर ही होता है, रिलीजन के बारे में बताता है, वो लीड करता है, इसी में इस धर्म के जो प्रणेता लोग हैं वो भी आएंगे, इस धर्म के जो विभिन्न शाखाओं के गुरु हैं उनका भी नंबर यहाँ बन सकता है। तो आप देखें 0.36 के नीचे उसी के डिवीजन में दिया 0.361 से लेकर 0.364 लीडर्स एंड देयर वर्क, और इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है एड टू बेस नंबर 294.36, इसका मतलब इसको बेस नंबर बनाना है 294.36 को, द नंबर फॉलोइंग 291.6 इन फॉलोइंग के बाद जो नंबर दिया रहता है, यानी इस नंबर को छोड़ते हुए 291.6 को छोड़ते हुए किसमें से इन 291.61 से लेके 64 तक के बीच के जो भी नंबर हैं उनमें से
291.6 को छोड़ते हुए आगे जो सुटेबल नंबर है उसको इसमें जोड़ देना है। तो ये इसी प्रकार की, ये दूसरे प्रकार की समस्या है जिसमें हम कह रहे थे कि कुछ नंबर को शेड्यूल के पार्ट में से छोड़ करके शेष नंबर को किसी नंबर के साथ जोड़ने वाली व्यवस्था, ये दूसरे प्रकार की ऐड डिवाइस है। इसको हम देखते हैं क्या कह दिया। अब इसका नंबर क्या बनेगा, इसका नंबर क्या करना है, 294.36 को बेस नंबर बनाना है और इसमें जोड़ना है क्या, 291.6। इतने को छोड़ते हुए इसके आगे 291.61 से लेके 64 में से जो नंबर सुटेबल है उसे लगाना है। तो आइए देखते हैं 291.61 से लेकर के 64 के बीच में कौन सा नंबर सूट करता है। देखते हैं कि हमें भेजा कहां उसने, 291.61 से लेके 64 के बीच में। तो हम आ गए यहां शेड्यूल वाले पार्ट में 291.6। 0.6 पे लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन और 0.1 से ही देखना। देखिए 6.1 जो है क्लर्जी एंड काउंसलर्स, और उसके नीचे क्या होगा एक्सप्लेनेशन लिखा है, प्रीस्ट, मिनिस्टर्स, पैस्टल्स, हेड ऑफ चर्च, गुरुज, और आपकी टाइटल में क्या है, प्रीस्ट इन बुद्धिज्म। तो इट मीन्स 6.1 जो है नंबर किसका है, प्रीस्ट का है, 29.61। अब उसके आगे हम देखते हैं 291.6 तक को तो छोड़ना है, बचा क्या, 1 बचा। अब हमें शेड्यूल में मिल गया 291.61 जो है प्रीस्ट का नंबर है। तो हमने क्या किया, हमें पहले कह दिया है 291.6 को ड्रॉप कर देना है, तो इसका नंबर हो जाएगा 294.36 पहले वाला, और 1 इसमें से ले लिया। अब ये नंबर हो गया आपका 294.361, ये प्रीस्ट का नंबर हो गया इन बुद्धिज्म। आपकी टाइटल का नंबर जो बन रहा है क्लास नंबर 294.361, इस प्रकार की टाइटल में आपने देखा कि कुछ नंबर हमने लिए शेड्यूल में से लेकिन कुछ को छोड़ते हुए, ये दूसरा प्रकार था ऐड डिवाइस का। देखिए एक और टाइटल के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम के इस प्रकार को समझते हैं। एक और प्रॉब्लम है सीप प्रोडक्शन फॉर हेयर्स, यानी भेड़ों का उत्पादन किसके लिए, हेयर्स के लिए, उनके ऊन के लिए। तो ऐसी एक टाइटल है, इस टाइटल को देखिए और इस टाइटल से आप एनालाइज करिए कि किस सब्जेक्ट की किताब होगी। तो किस सब्जेक्ट की किताब होगी, आपने पहले समरी में देखा कि आप उससे परिचित हैं, अप्लाइड साइंसेस 600 जो है उसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है। तो दूसरी समरी में हम देखें कि 600 के डिविजन्स में कहाँ एग्रीकल्चर मिल रहा है। अब हम दूसरी समरी के अंतर्गत देख रहे हैं 600 के डिवीज़न टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंसेस के, 610 मेडिकल साइंसेज है, 620 इंजीनियरिंग एंड एलाइड ऑपरेशंस है, 630 एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज दिया गया है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री और कृषि पर आधारित जो भी उद्योग हैं वो सारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत ही आएंगे। फिर भी नीचे हम देख लेते हैं, 640 होम इकोनॉमिक्स एंड फैमिली लिविंग, 650 मैनेजमेंट एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज, केमिकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर फॉर स्पेसिफिक यूजेस, बिल्डिंग्स। तो आप 630 में जाएंगे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में, और इसको थर्ड समरी में देखेंगे। तीसरी समरी में हम देखें 630 एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का डिवीजन, 631 क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्शन, 632 प्लांट इंजरीज डिजीज पेस्ट, 633 फील्ड क्रॉप्स, 634 ऑर्चर्ड फ्रूट एंड फ्रूट फॉरेस्ट्री,
635 गार्डन क्रॉप्स, 636 एनिमल हस्बेंड्री। ये सीप का प्रोडक्शन है, यानी पशुपालन है, सीप का पशुपालन हो रहा है ऊन के लिए, तो इसका नंबर 636 में ही मिलेगा। तो आप 636, क्योंकि यह थर्ड समरी है, इसके आगे का नंबर आप देखेंगे तो वो नंबर कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल वाले पार्ट में। अब शेड्यूल वाले पार्ट में 636 पर जब हम पहुंचे तो देखें, इसमें दिया गया है प्रोडक्शन मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो भी डोमेस्टिक एनिमल जिसमें उनका प्रोडक्शन, उनके मेंटेनेंस, उनकी ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी विषय होंगे वो सारे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आएंगे। देखिए इस टाइटल में सी प्रोडक्शन फॉर हेयर्स, यहाँ हेयर्स भी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है और सीप भी, तो इस टाइटल में हमें देखना होगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा इशू है, सीप या हेयर्स। हेयर्स कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ किसके हेयर्स की ज़रूरत है आपको, सीप के, तो सीप जो है प्राइमरी, सीप होगा तभी हेयर्स होंगे उस पर, उसका ऊन मिलेगा। तो यानी आपकी टाइटल में आपको पहले सीप का नंबर ढूंढना है, तो सीप का नंबर ढूंढने के लिए आपने एनिमल हस्बेंड्री 636 तक पहुँचे, 636 के डिविजन्स आप देखिए, 636.1 देखिए समरी में दिया गया है, इक्वाइंस दैट इज हॉर्सेस, 0.2 क्या है रूमिनेंट्स बोविंस कैटल, 0.3 क्या है स्मॉलर रूमिनेंट्स, आगे दिया गया है सीप, क्लियर कट। यानी 636.3 जो है आपका सीप का नंबर मिल गया, अब आपको 636.3 पर चलना है। इस पेज पर कहीं नहीं है, अगले पेज पर नहीं है, तो थोड़ा एक पन्ना और हम पलटते हैं, डायरेक्ट 0.3 पर चलते हैं, 636.3 पर आपने देखा स्मॉलर रूमिनेंट सीप, और इसके डिवीजन में देखिए यूज 636.30, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन जब यूज करेंगे तो 00 हो जाएगा, सिंगल जीरो की जगह ये कह रहा है। इसके आगे और इसका डिवीजन देखें, देखिए 36.301 से लेकर 0.308 जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, और 636.31 पे कह रहा है सी फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, और ये आपकी टाइटल में ये निहित है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए सीप का प्रोडक्शन किया जा रहा है, यह प्रोडक्शन उसके ऊन के लिए किया जा रहा है, यानी यहाँ आपका नंबर मिलेगा, यहीं से आप पहुँचेंगे। फिर इसका आप देखें और आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ें, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की ही बात है आपकी टाइटल में, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, अब क्या कह रहा है इसके लिए, ऐड टू बेस नंबर 636.31 द नंबर फॉलोइंग 636.088, यानी कहाँ और कहाँ आप से फॉलोइंग करना है, किस नंबर में से छोड़ना है, 636.0881 से लेकर 0889 के बीच के जो नंबर सूट करते हैं उन पूरे नंबर में से 636.088 को छोड़ना है। तो आप पहले बेस नंबर लिख लीजिए, क्या कहा, 636.31 को बेस नंबर आपको बनाना है, और क्या करना है, जोड़ना है क्या, 636.088 को छोड़ते हुए, यानी इतने को छोड़ते हुए वन से लेकर के नाइन के बीच का नंबर जो भी सुटेबल पड़ रहा है उसको आपको जोड़ना है। अब आप आ गए 636.0.088 पर, और 0.0881
क्या है, फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग की बात है नहीं, 0.0882 फॉर ड्राफ्ट यूज, ऐसा भी नहीं है। फिर देखिए 0.0883 फॉर कंजप्शन, यानी फूड के लिए एनिमल का प्रोडक्शन की बात होती तो चलता, और आगे आप बढ़िए 0.08844 हाइड एंड फर की बात कर रहा है, फॉर हेयर उसके नीचे देखिए क्लियर कर रहा है, फॉर हेयर सी 636.08845 जस्ट उसके नीचे ये नंबर दिया गया है हेयर एंड फेदर्स, और आपको हेयर्स का नंबर ही चाहिए था, तो इस प्रकार आपका नंबर क्या बनेगा 4-5। अब 636.08845 नंबर था हेयर्स का, जिसमें से 636.088 आपको छोड़ना है, इस प्रकार इसका नंबर हो जाएगा टाइटल का 636.3145। इस टाइटल में भी आपने देखा कि शेड्यूल के कुछ नंबरों को छोड़ते हुए लास्ट के कुछ नंबर जोड़ना, इसके पहले वाली टाइटल में भी आपको यही बात इसी तरीके का एग्जांपल था कि कुछ नंबर को छोड़ते हुए कैसे शेष नंबरों को जोड़ें, उसके लिए इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है। तो ये दूसरा प्रकार है ऐड डिवाइस का। अब हम ऐड डिवाइस की तीसरे तरह की प्रॉब्लम को समझते हैं। तीसरे तरह की जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं योजक चिन्ह तारांकित, यानी किसी नंबर में कुछ जोड़ना है और वह नंबर पर स्टार बना हुआ है, यानी तारांकित उसको किया गया है, उस पर स्टार बना है, और स्टार जहां बना है जिस पेज पर वह नंबर आ रहा है उस पेज के ठीक नीचे सबसे लास्ट में उस स्टार का मतलब दिया रहता है कि इसके लिए यहां से देखें, ये देखें, तो आप वहां पहुंचते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि तारांकित में किस तरह करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है साल्ट ऑफ सोडियम, साल्ट ऑफ सोडियम ये आपकी टाइटल है, अब आपको इसके लिए नंबर बनाना है। इसे एनालाइज करिए इस टाइटल को कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है, यह कोई सोडियम एक तत्व है और तत्वों का अध्ययन कहाँ करते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा। आप जो पहली समरी है, पहली समरी को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर 100 में नहीं आपका आ रहा है, 200 में भी नहीं आ रहा है, आप जब 500 पर पहुंचते हैं प्योर साइंस, क्योंकि उसके साल्ट की बात है और किसी अवयव के बारे में, कोई एलिमेंट है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वह साइंस के केमिस्ट्री में करते हैं, और केमिस्ट्री में जब हम करते हैं वो तो 500 का ही डिवीज़न है, तो दूसरी समरी में हम देखें कि 500 के किस नंबर को, किस डिवीज़न को केमिस्ट्री के लिए दिया गया है, हम दूसरी समरी में देखते हैं। दूसरी समरी में जब हम पहुंचते हैं तो 500 के डिवीज़न पर देखते हैं 540 केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज, यानी केमिस्ट्री के लिए नंबर आपको 540 दिया गया है। अब हम तीसरी समरी में 540 के और डिवीज़न देखेंगे, तब हमें सोडियम के नंबर का पता चल सकता है। तो तीसरी समरी में चलते हैं, तीसरी समरी में देखिए 540 केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज में 541 फिजिकल एंड थियोरेटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा क्या, 542 लेबोरेटरीज अपर्चर्स एंड इक्विपमेंट, क्या लेबोरेटरी का कोई इक्विपमेंट या इससे संबंधित है, नहीं। फिर आगे बढ़िए 543 एनालिटिकल केमिस्ट्री, 544 क्वालिटेटिव केमिस्ट्री, 545 क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, और 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसी तरह से 547 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 548 क्रिस्टलोग्राफी, 549 मिनरलॉजी। 54 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत ही हम किसी एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है, तो हम 546 में ही किसी एलिमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, और 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके आगे का नंबर हम शेड्यूल वाले पार्ट में प्राप्त करेंगे और देखते हैं 546 के आगे क्या नंबर सोडियम के लिए मिल रहा है हमें। हम 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पहुंचते हैं और वहां देखिए उसके जस्ट नीचे लिखा है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सोडियम जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम इसकी समरी को देखते हैं। उसकी समरी नीचे दी गई है 546.2 हाइड्रोजन एंड इट्स कंपोनेंट, 0.3 मेटल्स देयर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, उसके बाद फिर ग्रुप 3B, ग्रुप 4B, 5B, 6B। आप यदि केमिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे तो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किस तरीके से की गई है उसके आधार पर इसमें बनाया गया है। आप का सोडियम जो है मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंतर्गत आएगा 0.3। तो 546.3 के डिविजन्स पर आगे हम चलें अगले ही पृष्ठ पर। अब 546.3 पर आते हैं, अगले ही पृष्ठ पर दिया गया है मेटल देयर कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंतर्गत क्लास मेटल देयर कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ ग्रुप अदर देन 1A, 2A इन 546.4 से लेकर 0.7 तक। उसी के आगे 0.31 मेटलिक एलिमेंट दिया गया है, और आप डिवीजन देखते चले 0.34 पर साल्ट्स मिल रहा है, लेकिन आपकी टाइटल में साल्ट तो है ठीक है, लेकिन वह सोडियम के साल्ट की बात कर रहा है, यानी इसमें प्रिवेलिंग चीज जो है सोडियम है, सोडियम रहेगा तो उसके साल्ट की बात है। फिर थोड़ा सा और आगे आप बढ़े इस पेज पर 0.3 के ही और आगे डिवीजन देखते चले, इस पेज के आगे 0.345 के आगे अगला पृष्ठ पलटिए, इसमें देखिए 0.382 सोडियम, आपको 0.382 सोडियम मिला और उस पर एक स्टार बना हुआ है। उस स्टार को देखिए, हमने कहा था कि पृष्ठ के नीचे जो है जो स्टार बना हुआ है उस क्या है वो उसी पेज के सबसे नीचे उसके बारे में दिया गया है। जो स्टार कह रहा है यहाँ पढ़िए, ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 546, 546 के अंतर्गत जैसा निर्देश दिया गया है ऐसा करिए। यानी अब आपका नंबर 546 तक सोडियम तक तो क्लियर हो गया, उसके आगे का नंबर जो है जैसा निर्देश दिया गया है 546 के अंतर्गत वैसा आपको करना है। तो 546 का डिवीज़न आप देख रहे थे, 546 कहाँ मिलेगा इसके शुरुआत में ही जब आप 546 पर पहुँचे। देखिए ऐड की बात कर रहा था, यहाँ ऐड लिखा हुआ, ऐड टू ईच सब डिविजन्स आइडेंटिफाइड बाई स्टार एज फॉलोज, यानी जितने भी नंबर स्टार से आइडेंटिफाइड थे, तारांकित थे, उन्हें इसके अनुसार जो नंबर दिए गए उनमें जोड़िए। तो देखिए आप, 1 क्या है द एलिमेंट, 2 क्या है कंपाउंड, 2-2 क्या है एसिड एंड बेसिस, 2-4 क्या है साल्ट्स, 2-4 साल्ट्स का नंबर दिया गया है, यानी सोडियम के नंबर के आगे ये 2-4 जोड़ देंगे तो सोडियम का साल्ट हो जाएगा। और सोडियम का नंबर क्या था आपका, उसको देखिए, आपको शेड्यूल में सोडियम का नंबर मिला था 546.382 और उसके आगे कहा था कि स्टार
जैसा कह रहा है वैसा करना है, और स्टार कह रहा है कि 546 के नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अनुरूप आप आइए, और वहां आपने क्या नंबर प्राप्त किया, 24 साल्ट के लिए, 24 साल्ट के लिए नंबर प्राप्त किया। तो इसे आगे जब जोड़ देंगे तो इस टाइटल का नंबर बनेगा 546.3824, और इस टाइटल का नंबर बन जाएगा 546.38224। एक और एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि तारांकित जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें नंबर कैसे एट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी टाइटल है इलेक्ट्रोथेरेपी या बोन डिजीज। इस टाइटल को देखने से आपको ये लग रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी में हड्डियों से संबंधित समस्या के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रहा है, और ह्यूमन बॉडी की जो डिजीज है उसको उसका अध्ययन हम लोग मेडिकल साइंस में करते हैं, और मेडिकल साइंस जो है अप्लाइड साइंस का एक पार्ट है, एक भाग है। तो पहली समरी जो दी गई है उसमें 600 का जो डिवीजन है उसमें मेडिकल साइंस मिलेगा। तो दूसरी समरी में हम लोग चलते हैं और देखते हैं मेडिकल साइंस के लिए क्या नंबर है। अब 600 के डिवीजन्स को हम देखते हैं दूसरी समरी के अंतर्गत, 610 ही मेडिकल साइंसेज दिया गया है। तो आप क्लियर हो गए, 610 मेडिकल साइंसेज है। अब मेडिकल साइंसेज के और आगे डिवीजन्स देखने के लिए हम तीसरी समरी में चलते हैं, 610 के डिवीजन, 610 मेडिकल साइंसेज के डिवीजन्स देखिए, 611 ह्यूमन एनाटॉमी साइटोलॉजी टिश्यूज, 612 ह्यूमन फिजियोलॉजी, 613 जनरल एंड पर्सनल हाइजीन, 614 पब्लिक हेल्थ एंड रिलेटेड टॉपिक्स, 615 फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स, 616 डिजीजेस। और आपकी समस्या जो है डिजीज ही बोन डिजीज है, इलेक्ट्रोथेरेपी या बोन डिजीज है। इट मींस आपका 616 के अंतर्गत नंबर मिलेगा, और 616 का डिवीजन आगे देखने के लिए हमें शेड्यूल पार्ट में चलना पड़ेगा। अब 616 के अंतर्गत पहली समरी इसकी देखते हैं, 616.1 डिजीजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हार्ट वगैरह से प्रॉब्लम रिलेटेड है? नहीं है। पॉइंट टू पर देखते हैं, डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या सांस संबंधी समस्या से संबंधित है आपकी प्रॉब्लम? नहीं। फिर पॉइंट थ्री पर देखते हैं, डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट संबंधी समस्याओं की बात है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है? नहीं। पॉइंट फोर पर पहुंचते हैं, डिजीजेज ऑफ ब्लड फॉर्मिंग लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम, डिजीजेज ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ये भी नहीं है। अब पॉइंट सिक्स पर इसी तरह पहुंचिए, सिक्स के बाद आप सेवन पर आते हैं, वहां लिखा है डिजीजेज ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। आपकी बोन्स जो हैं, जितनी भी बॉडी की बोन्स और मस्कुलर्स हैं, ये उससे संबंधित बात है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का ही की ही समस्या है। इसलिए आप पॉइंट सेवन देखिए, 616.7 में आपका नंबर मिलेगा। अब पॉइंट सेवन पर डायरेक्ट चलते हैं, 616.7 पर। अब आप देखें 616.7 पर डायरेक्ट पहुंचे, डिजीजेज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें पहला डिवीजन ही अगले पृष्ठ पर चला जा रहा है, ये 0.71 ऑफ बोन्स लिखा हुआ है, यानी आपकी बोन्स की जो भी डिजीजेज होंगी यहाँ रखी जाएंगी। और यहाँ क्लियर लिखा भी है, क्लास हियर क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पहले फॉर्मली आल्सो, यानी इसके पहले वाले एडिशन में इस जगह रखी जाती थी, लेकिन जो अभी जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ रखी जाएंगी। क्लास करेक्शन ऑफ एक्वायर्ड एंड कॉग्निटल डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ऑर्थोपेडिक्स,
आप क्रॉनिक डिजीजेस ऑफ स्केलेटल सिस्टम है तो वो 617.3 में जाएगा। आपको देखना है आप बोन्स, आपको क्लियर कट मिल गया लेकिन आप बोन्स पर स्टार भी बना हुआ है। अब आप स्टार में देखिए क्या कह रहा है। स्टार देखने के लिए आपको हमने बताया कि उसी पृष्ठ पर सबसे नीचे में लास्ट में उसका दिया गया है स्टार का एक्सप्लेनेशन, एड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 616.1 से लेके 616.9 के बीच में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके अनुरूप जोड़ना है। अब चलते हैं 616.1 से लेके 616.9 के बीच। जब आप 616.1 से लेके 616.9 स्पेसिफिक डिजीजेस पर आते हैं तो वहाँ आप पाते हैं वहाँ इंस्ट्रक्शन अलग अलग दिया गया है। 001 फिलासफी एंड थियरी, 002 मिसलेंसी, ऐसे आप देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। 01 माइक्रोबायोलॉजी, 02 स्पेशल टॉपिक्स, इसी तरह से 024 डोमेस्टिक मेडिसिन और 04 है स्पेशल क्लासेस ऑफ डिजीज, ये भी नहीं है। और इसका और आगे डिविजन्स अगले पृष्ठ पर दिया गया है। और यहाँ आप 06 पर जब आते हैं वहाँ दिया गया है थेरेपी, 061 ड्रग थेरेपी दी गई है। इसके बाद 062 से लेकर 069 दिया गया है अदर थेरेपीज नंबर, और इसके नीचे ऐड का इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऐड 206 द नंबर्स फॉलोइंग 615.8 इन 615.82 से लेकर 89 के बीच। एग्जाम्पल भी दिया गया है एक्सरे थेरेपी। तो आपको क्या करना, आपका बेस नंबर बोन्स बनता तो बोन्स का नंबर पहले आप लिख लीजिए। नंबर आपका मिला था 616.71, इसमें और कहा इसने 6 थेरेपी का नंबर जोड़ लीजिए, और इसके बाद फिर क्या जोड़िए 615.8 को छोड़ते हुए 1 से लेकर के 9 तक, यानी 615.8 1 से लेके 615.89 के बीच का जो भी नंबर सूट कर रहा है उसको जोड़िए, किंतु उस नंबर में से 615.81 को छोड़ते हुए। तो जितने को छोड़ना है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया, और आगे अब देखते हैं क्या नंबर दिया है। जब आप 615.82 से लेके 89 के बीच पर आते हैं तो आप देखिए इस समरी में दिया गया है 615.83 फोटोथेरेपी एंड रिलेटेड थेरेपीज, 82 था फिजिकल थेरेपीज, 84 है रेडियोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 0.84। तो 615.84 में ही आपको इलेक्ट्रोथेरेपी मिल जा रहा है। तो इसके आगे नंबर आप इसका जोड़िए 615.84 जो है इलेक्ट्रोथेरेपी नंबर मिल गया। जब आपने समरी में देखा तो अब आपका नंबर क्या बनेगा 616.7164, क्योंकि 615.8 को उसमें से छोड़ देना है। तो इस तरह ये समस्या में, इस प्रॉब्लम में आपको स्टार का भी प्रयोग आपने सीखा, और इससे पहले कैसे छोड़ते हैं कुछ अंकों को वो भी प्रॉब्लम में पहले से समाहित है, जिसमें 615.8 को आपने छोड़ा जो पहले के एग्जाम्पल में हमने बताया था। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम, दोनों तरह की योजक युक्तियों का प्रयोग हुआ, तारांकित वाली योजक युक्ति का भी और कुछ नंबर छोड़ने वाली योजक युक्ति का। तो ये तीन जो प्रकार थे, तीन प्रकार तो आपने सीखे, और लास्ट वाली जो प्रॉब्लम थी आपको कुछ अंक छोड़ने और तारांकित दोनों का
समेकित रूप था। तो आपकी प्रॉब्लम इसी तरीके से योजक युक्तियों की प्रॉब्लम्स बीच में आती रहेंगी और आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार आज आपने ऐड डिवाइस का प्रयोग कैसे करें उसको सीखा। ऐड डिवाइसेस हमने बताया था आपको कि तीन प्रकार की होती हैं, वो तीनों प्रकार के एग्जाम्पल दे दे के अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया कि पहले प्रकार में किसी नंबर के साथ पूरे शेड्यूल में से पूरा का पूरा नंबर जैसे है वैसा जोड़ देते हैं। दूसरा प्रकार क्या था कि किसी नंबर में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें से जो नंबर जोड़ना है पूरे नंबर में से कुछ नंबरों को छोड़ते हुए नंबर जोड़ते हैं। और तीसरे प्रकार में क्या था कि शेड्यूल के किसी नंबर पर स्टार बना होगा और उसके आगे के नंबर जोड़ने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, पूरा का पूरा नंबर उसमें जोड़ने का तब जुड़ेगा। ये तीन प्रकार के ऐड डिवाइसेस के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ऐड डिवाइस का प्रयोग कैसे करें ये समझाने का प्रयास किया। आशा है आप इसको भली भांति समझ गए होंगे और आपकी जो बुकलेट आपको दी गई है पढ़ने के लिए उसके द्वितीय चैप्टर में ऐड डिवाइस के प्रयोग करने के तरीके भी दिए गए हैं और उसमें अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। तो आपको दो तीन प्रॉब्लम जैसे हर एग्जाम्पल के हर प्रकार में एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उस बिल्कुल उसी एनालॉजी पर अनसॉल्व प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और इस तरीके से आप सॉल्व करते करते अभ्यास से आप आसानी से आगे का नंबर बना सकेंगे। इसके बाद अगली क्लासेस जब होंगी तो दूसरी डिवाइसेस और टेबल्स का प्रयोग कैसे करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।